अनुपमा की कहानी से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। तो आपको बता दें कि तोशु के सामने हकीकत आने वाली है वनराज और काव्य के रिश्ते की, क्योंकि उस रात की सारी सच्चाई और कोई नहीं बल्कि ये शख्स बताने वाला है, और ये शख्स और कोई नहीं नंदनी है। जी हाँ, नंदनी खुलेगी आंखें और बताएगी तोशु को सारी सच्चाई, क्योंकि नंदनी को पता चलेगा कि तोशु अपनी माँ के कितने खिलाफ है और अपने पिता को कितना सही समझ रहा है, जिसमें किंजल भी अहम भूमिका निभा रही है और तोशु की आंखों से पट्टी खोलने की कोशिश कर रही है। पर तोशु को भी वनराज की तरह ईगोस्टिक वाली आदत है, जिसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहा। पर सबूत देखने के बाद तोशु की अकल ठिकाने लगाने वाली है नंदनी, और वहीं सबूत दिखाने के बाद तोशु की अकल ठिकाने लगाने वाली है नंदनी और बताने वाली है असल सच्चाई, और कहने वाली है कि तुम अपने पिता के बारे में जैसा सोचते हो और तुम्हारे पिता ने जो कहानी तुम्हें बताई है वो कहानी बेहद ही झूठी है। जिस झूठी कहानी पर तुमने यकीन बस विश्वास के साथ किया है, जो विश्वास तुम्हारा टूट जाएगा अगर तुम इस बात को नहीं समझोगे। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।